देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पहली ही सूची में 195 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के 24 लोकसभा प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग गई है और उन्हें घोषित भी कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करके कहीं ना कहीं विपक्षी दलों पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली। लेकिन मध्य प्रदेश की वो कौन सी 5 सीटें हैं जिस पर अभी भी पेच फंसा हुआ है? क्या उसमें महिलाओं को टिकट दिया जाएगा या फिर युवा और दूसरे वर्गों को साधने की कवायद में है? आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की 5 लोकसभा सीटें जिन पर अभी तक प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं हुए हैं, पहला इंदौर, दूसरा धार, तीसरा उज्जैन, चौथा बालाघाट और पांचवा छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यह कांग्रेस और कमलनाथ का गढ़ है। बीते लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस के हिस्से आई थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा सहित प्रदेश की 29 की 29 सीटें जीतना चाहती है। अगर इंदौर सीट की बात करें तो इस सीट की सियासत में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और कैलाश विजयवर्गीय बड़ा फैक्टर है। यहाँ पर इन दोनों की सहमति से फैसला होना है। यहाँ पर सांसद शंकर लालवानी, भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर दिव्या गुप्ता और भाजपा उपाध्यक्ष जीतू जिराती की दावेदारी है। इसी तरीके से धार सीट की अगर बात करें तो नए चेहरे की तलाश है। 2023 विधानसभा चुनाव में धार संसदीय सीट पर वोट प्रतिशत में कांग्रेस को बढ़त, यहाँ पर सुमेर सिंह सोलंकी का नाम चर्चा में है। इसके अलावा मुकाम सिंह और रंजना बघेल की भी दावेदारी है। उज्जैन सीट की बात करें तो यह सीट मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गृह नगर है। यहाँ पर पार्टी उनकी पसंद को महत्व दे सकती है। इस सीट पर वर्तमान सांसद का टिकट खतरे में बताया जा रहा है। यहाँ से पूर्व महापौर मीना जोनवाल, संघ से जुड़ी रानी जाटव की मजबूत दावेदारी बताई जा रही है। बालाघाट सीट की अगर बात करें तो स्थानीय नेताओं की खींचतान के कारण नाम तय नहीं हो पाए। यहाँ से भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार, सांसद ढाल सिंह बिसेन, पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन की बेटी मौसम बिसेन की भी दावेदारी है। गौरी शंकर बिसेन विधानसभा का चुनाव हार गए हैं। संगठन युवा चेहरे के रूप में वैभव पवार को प्रत्याशी बनाने के समर्थन है। और सबसे महत्वपूर्ण छिंदवाड़ा सीट, इस सीट को कांग्रेस के कब्जे से मुक्त कराने भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया है। पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ के भाजपा में शामिल होने की खबरों पर विराम लग गया है। हालांकि इस सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं होने से कई अटकलें लगाई जा रही हैं। कल यानी 8 मार्च को दिल्ली में भाजपा सीसी की बैठक होगी और ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की बची हुई 5 सीटों समेत लगभग 100 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग सकती है। और अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से बात की जाए, जिस तरीके की बात की जा रही थी कि मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव में इस बार महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा, तो बची हुई 5 सीटों पर महिलाओं की अच्छी खासी दावेदारी होती नजर आ रही है। अब ये तो देखना होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी बचे हुए 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित करती है तो उसमें कितनी महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलता है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बहुत ही जल्द केंद्रीय नेतृत्व 5 सीटों पर मुहर लगा सकता है और जल्द ही वो सूची आ सकती है और उसमें महिलाओं और युवाओं को मौका मिल सकता है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार।